सुचा जी पंचायत में आया हूँ वार्ड नंबर एक में। यहाँ से बेटी है हरजोतपुर, इसके प्लस टू में 98.2% नंबर आए थे। बहुत मेहनत लगती है बच्चे की, बहुत मेहनत, दिन रात पढ़ना पड़ता है। अच्छा इन बच्चों को पता है ये जो लैपटॉप इनको दिया है इनकी पढ़ाई में आगे काम आएगा। मैं कहना हूँ इस बच्चे ने हमारा सिर ऊंचा किया है, हम जम्मू कश्मीर वालों का सिर ऊंचा किया है, हमें हमारा सिर फकर से ऊंचा हो गया। हम आपके साथ हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, चाहे कोई अच्छा खेलता है चाहे कोई अच्छा पढ़ता है, मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ा हूँ। इनकी बेटी ने टॉप किया है, ये डेली मेजर है। मैं कहना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंटों में जो डेली मेजर है, जो डिपार्टमेंटों में जो जिनको कच्चा रखा गया है, जिनको परमानेंटली किया गया, उनको सरकार इलेक्शन से पहले पहले पक्का करे, नहीं तो वोट मांगने मत आना। जनता बड़ी गुस्से में है। इन लीडरों की मैंने इनकी नब्ज पकड़ ली है, मैंने इनकी करप्शन पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट दोनों सीटों पे हमने जीतना है, बसोली हमने जीतना है, जसरोटा में हमने जीतना है। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ईमानदारी दे देनी है, आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दे देना कि एमएलए ईमानदार भी होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की जो नौकरियां हैं, जो भी नौकरियां हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए। हमारा हक हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक हमें ना बीजेपी ने दिया था, ना जो कांग्रेस ने, किसी का दिया नहीं था। ये महाराजा हरि सिंह साहब, ये महाराजा गुलाब सिंह साहब, ये उनके दिया, ये उनके द्वारा दिया गया था। भारत माता की, हिंदुस्तान, 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 बोले सोनियल, जय श्री राम, जय श्री राम। अरुण शर्मा, बसोली विधानसभा क्षेत्र से मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे, जब इलेक्शन होंगे तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैंने मीडिया के माध्यम से कह दिया है कि जब भी विधानसभा इलेक्शन होंगे हमारे जम्मू कश्मीर में, तो मैं जो बसोली विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा वहां से। और ये पूनम शर्मा, ये जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि जसरोटा विधानसभा क्षेत्र और बसोली विधानसभा क्षेत्र की सब जनता ने, 90% जनता ने, सब ने बोल दिया है हमें कि आप इलेक्शन लड़ना तो आजाद लड़ना, उसके एमएलए बनने के बाद डिसाइड करना, जो जनता बोलेगी उसी के बाद हम जनता की राय लेंगे, उसी के बाद कोई एमएलए बनने के बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, उससे पहले हम किसी पार्टी की कोई टिकट नहीं खरीदेंगे, ना ही हम टिकट खरीद के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हम फ्री में एमएलए बनने वाले हैं और जनता के आशीर्वाद से बनने वाले हैं, जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद और जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ। और आज मैं ये जो छोटा विधानसभा क्षेत्र के राखुशहरी पंचायत में आया हूँ वार्ड नंबर एक में, यहाँ से बेटी है हरजोतपुर, इसके प्लस टू में 98.2% नंबर आए थे। मैंने बोला था जिन बच्चों के 94 से ऊपर नंबर आएंगे उनको हम लैपटॉप देंगे, और अच्छे वाले लैपटॉप देंगे, बढ़िया वाले लैपटॉप देंगे। और मैंने बोला था जहां जहां मेरे को जहां जहां से जानकारी मिली है, जहां जहां के उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने मेरे से कनेक्ट किया है, और मैंने वहां जाके बच्चों को सम्मानित किया है, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हो चाहे प्लस टू के बच्चे हो, ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर बच्चे दिन रात मेहनत करके टॉप करते हैं, 98.2% बहुत नंबर है, समझ लो जी 100% नंबर ही है। बहुत मेहनत लगती है बच्चे की, बहुत मेहनत, दिन रात पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ मेरा अपना मानना है कि जब कोई बच्चा टॉप करता है, कोई अफसर बनता है, तो उसमें उसका सबसे पहले जो सबसे बड़ा योगदान होता है, उसके माँ बाप का योगदान होता है, उसके स्कूल के टीचरों का योगदान होता है, उस इलाके के, उस मोहल्ले के, उस गांव के, उस शहर के सभी लोगों का योगदान होता है। जब कोई बच्चा टॉप करता है, चाहे छोटी क्लास से टॉप करना शुरू हो, जब भी वो बाहर निकलता है तो
आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, पंचायत वाले जब उसको बच्चे को उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देने का काम करते हैं और बच्चे को कहते हैं बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। और अगर कोई अच्छी नौकरी पे जाता है तो हर कोई उनको मार्क देने के लिए उनके घर में जाता है और इससे बच्चे का भी मनोबल बढ़ता है और आगे जो हमारी पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी देख के एक अच्छा मैसेज उनमें जाता है और उनका भी मनोबल बढ़ता है कि हम भी टॉप करें, हम भी ऐसे अच्छे नंबर लें और हमें भी पूरे इलाके के लोग हमें सम्मानित करें, हमें शिक्षा वशी देने का काम करें, जो उम्र में पड़े हैं वो आशीर्वाद दें। कहना हो इस बच्चे ने हमारा सिर ऊंचा किया है, हम जम्मू कश्मीर वालों का सिर ऊंचा किया है, हमें हमारा सिर फखर से ऊंचा हो गया। बच्चे हीरे होते हैं माँ बाप के लिए, बेटे बेटियां हीरे होते हैं और उनको अगर तराशने का काम किया जाता है तो वो स्कूल के टीचरों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम जहाँ आए हैं, हरजोत कौर जी के पिताजी हैं, हमने उनको भी सम्मानित किया है, इनकी माता जी हैं, इनकी मम्मी हैं, उनको भी सम्मानित किया है और हमने इस बच्ची को लैपटॉप दे दिया है। हमने कह दिया बच्चा हम आपके साथ हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, चाहे कोई अच्छा खेलता है, चाहे कोई अच्छा पढ़ता है, मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ा हूँ, मैं उसके कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ, मैं अच्छा खेलेंगे तब भी लैपटॉप दूंगा, मोबाइल स्मार्ट बोर्ड बांटूंगा, अगर कोई अच्छा पढ़ेगा तो जो मेरे से हो सकेगा उसे ज्यादा करूंगा। आप खूब खेलो, खूब पढ़ो, मैं MLA बनने से पहले भी आपके साथ हूँ, MLA बनने के बाद भी पूरी उम्र इलेक्शन ही लड़ने हैं, अब यही है। और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की जो नौकरियां हैं, जो भी नौकरियां हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ये हमारा हक हमें ना BJP ने दिया था, ना जो कांग्रेस ने, किसी का दिया नहीं था, ये महाराजा हरि सिंह साहब, ये महाराजा गुलाब सिंह साहब, ये उनके द्वारा दिया गया था। इसलिए हम जम्मू कश्मीर वाले, हमारे यहाँ हमारे बच्चों का, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे अफसर बनते हैं, पहले कांग्रेस वाले ने डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया और उसके बाद BJP वालों ने बच्चों की नौकरियां छीन ली, लोगों की नौकरियां, जो डेली वेजर है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई साहब जिनकी बेटी ने टॉप किया है, जो डेली वेजर है। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर है, जो डिपार्टमेंटों में जो जिनको कच्चा रखा गया है, जिनको परमानेंटली किया गया, उनको सरकार इलेक्शन से पहले पक्का करे, ये तो वोट मांगने मत आना, जनता बड़ी गुस्से में है। आगे हमारे जम्मू कश्मीर में कोई इतनी जमीन नहीं है, इतने कोई कारोबार नहीं है, इस हिसाब के यही एक चार नौकरियां होती थी कि कोई बच्चा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी। और मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन चाहे आप जल्दी कराओ चाहे बाद में कराओ, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जमीन हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सके, कोई आके जमीन ना खरीद सके। हमारी जम्मू कश्मीर की नौकरियां, हमारी जम्मू कश्मीर की नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए। ये काम करो उसके बाद इलेक्शन कराओ, उसके बाद ये नहीं है कि हक हमारा। मैं कहना चाहता हूँ MLA से बनने से पहले भी, MLA बनने के बाद, इसलिए मैं किसी पार्टी से सहमत नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ मेरी बनती नहीं है, मेरे को लीडर परेशान रहते हैं मेरे से। हमारे साथ में आप देखिए हिमाचल में अभी इलेक्शन हुए हैं, पीछे 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं, गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हिमाचल में कोई जाए वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता, कोई वहां कारोबार नहीं कर सकता। और जितने भी वहां होटल हैं, जितने कारोबार हैं, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई पैलेस है, चाहे कोई वहां पे मॉल है, चाहे कोई चौखा है, चाहे कोई फड़ी है, सब हिमाचल पे जितने होटल हैं, जितने कारोबार, सब हिमाचल के लोगों के हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर क्या जमीन शामलाट है कि कोई भी आएगा, कोई भी जमीन खरीदेगा, कोई भी आएगा यहाँ पे नौकरी कर लेगा। भैया आगे जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से आगे परेशान है। कश्मीरी नेता, जो कश्मीर के नेता थे, उन्होंने पहले बेड़ा कर किया और मैं कहता हूँ अब अगला बेड़ा कर का केंद्र सरकार में जो BJP सरकार है उन्होंने किया है। मैं कहना चाहता हूँ अगर BJP वाले पूरे जम्मू कश्मीर में अगर अपने MLA जिताना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चों का हक पहले दिया जाए। आप कोई नया कानून बनाए कि हमारी नौकरी हमारे यहाँ के बच्चों को मिलनी चाहिए और हमारी यहाँ की जमीनें हमारे यहाँ लोगों को मिलनी चाहिए। बाहर का हम तो आगे को इतने सौखे नहीं है। यहाँ जितनी इंडस्ट्री है, चाहे जम्मू में जितनी इंडस्ट्री है, 97% इंडस्ट्री वाले बाहर से है, बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े कारोबार, उनकी फैक्ट्रियां हैं।
मैं कहना चाहता हूँ आगे ही तो 100 साल का एग्रीमेंट करके फैक्ट्री तो सबने लगाई थी, बंदे उनके काम कर रहे थे। हमारा तो 3% लोग होंगे जिनकी इंडस्ट्रियां है, जब 3% दफा 370 होते हुए हमारे लोग 3% से इंडस्ट्रियों में जिनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, चाहे बड़ी फैक्ट्रियां चाहे छोटियां, तो उस समय 370 के टाइम में 3% होगी। तो अब तो यह स्थिति हो जाएगी कि जम्मू वालों को यहां से निकलना पड़ेगा, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, नौकरियां अपने छीन ली। मोदी साहब को सबने वोट डाले थे, सबका साथ सबका विकास सबने दिए थे। हम नहीं कहते मोदी साहब ईमानदार बंदे हैं, मोदी साहब ईमानदार बंदे हैं। हमारे जो यूपीए में पीएम रहे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, वो भी ईमानदार हैं। हमारे जो स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, वो भी पूरे ईमानदार थे। इसलिए अब्दुल कलाम साहब ने जो देश को दिया है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, प्योर ईमानदार। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बाकी जो पार्टी वाले हैं ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि बार बार अपना टेस्ट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पर होगा क्या क्या। मैं कहना चाहता हूँ कि कितने बार छीन लोगे, एक महंगाई से परेशान है, दूसरी बेरोजगारी है, नौजवान पीढ़ी सड़कों पर घूम रही है। जम्मू जाओ, हर डिपार्टमेंट वाला रोड पे बैठा है, सड़क पे बैठा है, चौक पे बैठा है, किसी के लिए कोई काम नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन पहले ये हल किया जाए कि हमारी नेतो, मैं कहना चाहता हूँ इस हिसाब से आंदोलन उठेगा ना, इस हिसाब से लोग बोलना शुरू होंगे कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मोदी साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके बंदे यहाँ कहते हैं ना, आपके बंदे आपको रिपोर्ट देते हैं, वो गलत रिपोर्ट है। आपको एक बार जम्मू कश्मीर के जो वोटर उनको पूछो तो पूछ के तो देखो कि आपकी बीजेपी पार्टी की जम्मू कश्मीर से जो बीजेपी की पार्टी के जो अहदेदार हैं उन्होंने हालत क्या कर दी है। ये वहां जाते हैं अपने टिकट के चक्कर में, अपनी मिनिस्ट्री के चक्कर में, कोई MP बन के मिनिस्टर बनता है, कोई MLA बन के मिनिस्टर है। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन चाहे आप कल करा लो चाहे नहीं कराओ, कोई परवाह नहीं, अगर आपने कराने हैं कराओ, नहीं कराने हम तो तैयार है, चाहे कल करा लो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारी जमीने कोड़ियों के बाव कारोबारियों को, बड़े बड़े जो सेठ हैं उनको नहीं देनी चाहिए, और हमारी नौकरियां हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए। आप गलत कर रहे हो, सबने वोट डाले हैं आपको, बहुत बहुत वोट डाले हैं इधर के। हम अपना हक पे ढाका नहीं पड़ने देंगे। इसलिए मैं यहाँ से इस पवित्र धरती से, इस जरोटा की पवित्र धरती से सबको हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। और मेरा अपना सिस्टम है कि हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं, और हर जाति धर्म के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। मेरे सिर पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च का आशीर्वाद है, मेरे सिर पे तो चारों आशीर्वाद है। मेरा क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों ने बिगाड़ लेना। इसलिए चाहता हूँ हमारे लड़के हमारे बेटियां जहाँ टॉप करते हैं, तो हमारे जितने केंद्र में मंत्री हैं, चाहे जम्मू में बड़े बड़े उद्योग में बैठे हैं, चाहे उन बच्चों को सम्मानित करना चाहिए। आप क्या करते हो किसी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सम्मानित तक नहीं करते, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार चटनी है। मैं दूसरी स्टेटों में वहां पर मैंने देखा जो वहां के MP हैं, जो वहां के MLA हैं, वो क्या करते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को लैपटॉप बांटते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को स्मार्टफोन बांटते हैं। उनकी अगर पढ़ाई में दिक्कत आती है तो स्कूलों में जाके पूछा जाता है, सरकारी टीचरों को पूछा जाता है, वहां पे मोबाइल भी बढ़ते हैं, लैपटॉप भी बढ़ते हैं। तो जहां जम्मू कश्मीर के नेताओं को क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, इन्होंने किसी बच्चे को टॉप करने पे, किसी बच्चे की नौकरी लगने पे, किसी बच्चे को अच्छा खेलने पे, मोबाइल तो देना दूर की बात है, लैपटॉप तो देना दूर की बात है, इन्होंने कभी वो सिम होती ना सिम, इन्होंने सिम नहीं दी। मैं कहना चाहता हूँ 30-30, 35-35, 40-40 साल से कभी MP बनते हैं, कभी MLA बनते हैं, कोई मौजूदा बन के बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ओ भैया, अगर आप लोग ईमानदारी से काम करते रहे, ये इतना बड़ा इलाका नहीं है जहाँ तो सुबह शाम तक निकले तो आधा इलाका तो घर घर बंदा घूमता है, तो अगर आप सही तरीके से ईमानदारी करते, 30-40 साल हो गया आप लोगों ने राजनीति करते हुए, बनते हो अपने टब्बर की तरक्की करते हो, अपने स्कूल खोलते हो, काले खोलते हो, क्रेशर लगाते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, अपने माइनिंग के ठेके लेते हो, अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो हर बच्चे के पास, कई इलाके ऐसे हैं बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे। अगर आपने 30-40 साल में ईमानदारी से काम किया होता
तो जितने घर के मेंबर होते उनके सबके पास स्मार्टफोन होते और जितने पढ़ने वाले बच्चे होते चाहे घर में चार बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से लैपटॉप दिए होते। मैं पूरे इलाके को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं इन लीडरों की, मैंने इनकी नब्ज पकड़ ली है, मैंने इनकी करप्शन पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट दोनों सीटों पर हमने जीतना है, बसोली हमने जीतना है, जसरोटा में हमने जीतना है, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ईमानदारी दे देती है। आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दे देना है कि एमएलए ईमानदार भी होते हैं। एक नया सिस्टम शुरू होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को, तगड़े हो जाओ, रज के पढ़ो, रज के खेलो, जहां आपको कोई लगता है मेरे को बुला लो, जो मेरे से होएगा उससे बढ़ के आपकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब बच्चे मेरे बच्चों के बराबर है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो सब कोई करता है, अपने बच्चों के लिए बोल दो सब कुछ लेके देता है। भैया सपोर्ट करनी है, मैं यहाँ हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं मैं कुछ दे सकूँ, लेकिन मैं सब जितने बच्चे डाक करते हैं मैं उनका अपना परिवार मानता हूँ, उनको अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है जैसे मैं अपने बच्चों को कुछ लेके देता हूँ ऐसे उन बच्चों को लेके देता हूँ जो अच्छा खेलते हैं, जो अच्छा टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। इसलिए मेरा क्या मेरा बल होता है, मेरे से भगवान श्री राम करवाते हैं, मेरे को शिव शंकर बोलना करवाते हैं, मेरे से गुरु नानक देव जी करवाते हैं, मेरे से अल्लाह करवाते हैं, मेरे से जो सेवा करवाते हैं, क्योंकि हर जाति धर्म के लोग मेरा परिवार है, हर जाति धर्म के लोगों में अपना परिवार मानता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे को हुक्म होता है, मेरे को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च से हुक्म होता है। इसलिए इनके परिवार वालों को मैं जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों की बड़ी आपने वो अच्छे तरीके से परवरिश की है, अच्छे संस्कार दिए हैं, जो इन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। इसलिए जय हिंद जय भारत। मैं पूनम शर्मा जसरोटा विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। आज हम जसरोटा आए हैं और यहाँ की एक हमारी बच्ची है, बेटी है, जिसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके टॉप किया है। 98.2% इसने मार्क्स लाया है। मैं इसको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और इसके साथ इसके परिवार वालों को और इसकी पूरी फैमिली को और जसरोटा के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि उनकी एक बेटी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जसरोटा से आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है और मैं यही कामना करूँगी कि आप लोग हमारा साथ दें। और मैं माताओं से, बहनों से और बेटियों से यही बोलूँगी कि हम मुद्दों पे बात करते हैं, और मैं अपने माता बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि हम मुद्दों पे बात करते हैं और उनके कोई भी मुद्दे होंगे उसके लिए हम काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।